किधर? जी महाराज। ये सामने से घोड़ा किसका आ रहा है? ये घोड़ा, इसके तो माथे पर भी कुछ लिखा हुआ है शायद। देखिए श्रीधर, क्या लिखा है, पढ़िए। आने दो और फिर जाने दो, घोड़ा की शिकार करेंगे। नहीं श्रीधर, इस घोड़े को हम पकड़ेंगे और देखो इस पे क्या लिख रहा है। इसके माथे पे लिखा हुआ है ये पांडवों का घोड़ा है और जो कोई इसको पकड़ेगा वीर अर्जुन से वो युद्ध करेगा। अच्छा, इस पे ये लिखा हुआ है। चलो श्रीधर, रहने दो। नहीं, इस घोड़े को हम पकड़ेंगे श्रीधर। पांडवों से आप जितना लगाओ श्रीधर, पांडवों से युद्ध हम करेंगे। पांडवों से जो आप युद्ध करेंगे? हाँ मैं करूंगा। कुंवर साहब, अभी आपकी उम्र नहीं है। नहीं श्रीधर, बताइए आपकी कहाँ कहाँ अर्जुन। अर्जुन एक दान एक ऐसा बलवान है कि जो हमारे भारत में नहीं है। श्रीधर, ये घोड़ा हमको पसंद है और हम अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, घोड़े को पकड़ लीजिए। बिल्कुल पकड़ लेंगे हम, अब नहीं जाने देंगे, हम पकड़ लेंगे हम। कितना अच्छा घोड़ा है श्रीधर, देखिए कितना अच्छा घोड़ा है। मुझे ऐसा मालूम होता है वीर अर्जुन भी आ रहे हैं पीछे पीछे सामने से। हाँ आने दो श्रीधर, वीर अर्जुन आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अब ये लड़ाई होगी। कहाँ आपने पकड़ लिया घोड़ा? श्रीधर, हम घोड़े को नहीं देंगे। अरे बालक, तुमने ये हमारा घोड़ा क्यों पकड़ा है? ये घोड़ा हमको पसंद है और हमारी सीमा में कर ये घोड़ा जा रहा है, इसलिए हमने पकड़ा है। आपका परिचय? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन? हाँ अर्जुन है। क्या है श्रीधर? वीर अर्जुन, कुमार साहब, अर्जुन है ये। ये घोड़ा हम नहीं देंगे किसी कीमत पर। घोड़ा तो नहीं देंगे, अच्छा लगा इनको ही दे दो घोड़ा। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, ये घोड़ा हम नहीं देंगे। ये पांडवन को ते पकड़ो क्यों? सकु संग संग्राम।
ना दिखा देख ले जौहर मेरे समर मुंडन के कतर कतर के मैं अंबर तक अंबार चिनू मुंडन के कतर कतर के और तू क्या ले जाए बाज को ये ले जा घोड़ा जीत बिंद जो छत्री मरता देगा अरे जरा से छोकरे जरा से छोकरे तेने मैं खगेश काला
जानू तेरा अब लोचन क्या दिखलाता है और कैसा तू बलवान अभी मालूम हुआ जात ये यहाँ के वहाँ के इधर उधर के और वृथा गीत गाता है ये तुच्छ गीदड़ा द्रपट सिंह छोना को धमका इस डराने में क्या सहज आता हूँ मैं हूँ जरा सा मगर मेरा रासा कड़ा देखना क्या तमाशा खाता ये हूँ जरा सा मगर हूँ तनक सा मगर मेरा रासा कड़ा और देखना क्या तमाशा दिखाता हूँ मैं ले संभल देख छोड़ू सर सर कतर साप अब तेरा जाता तुझे आ गया काल हाथों ये तो मेरे तो कहां तक रहम कर बचाओ तुझे तू दनाग से तमाशा दिखा क्या सके ले अखीरी तमाशा दिखाऊं तुझे ले अखीरी तमाशा दिखाऊं तुझे सर कतर के हमारा ये ओ जाना चाहे कर अदम उदम अदम को पठाऊं तुझे बढ़ाने के आगे को आ तो सही कोरी बातें ही बातें और बनाता है क्या जोर जुर्रत का जौहर था तो और रथ बढ़ाने के आगे को आ तो सही देख छोड़ू सर और साफ सर को कतर सर कलम में करूं इसे बचा तो
ले चलिए अपनी राजधानी। बिल्कुल ले चलो, और ले चल के घुड़सार में बांध देंगे। क्या? घुड़सार में घोड़ों के पास। नहीं मंत्री, घुड़सार में घोड़ों को बांधो। पिताजी नाम देंगे, पिताजी दादाजी नाम। चलो इनके ले चलिए। हाँ चलो, इनके गांडी धनुष को ले चलिए। हाँ चलो चलो। महाराज के जीवन की जय हो। अरे आओ भाई श्रीधर, तुम तो कुंवर साहब के साथ शिकार खेलने के लिए गए थे। हाँ महाराज, हम लोग शिकार करने गए थे और शिकार करके आए हैं। शिकार कराए? हाँ। क्या शिकार किया? पहले इस खुशी में हंस लीजिए आप। भाई बात समाचार सुनाओ। अरे हंसी हंस रहे हो? आज ऐसी शिकार लाए महाराज, आपने भी कभी नहीं देखी होगी। अच्छा? हाँ भाई वाह। शिकार बांध के और यहीं ले आए उसको हम। शिकार को बांध के साथ ले आए? साथ ले आए महाराज। भाई कहाँ है वो शिकार, जरा हम भी तो देखें। शिकार? हाँ हाँ महाराज, वो कुमार साहब के साथ है। कुमार साहब कहाँ है? कुमार साहब ला रहे हैं, देखो वो आ रहे। हाँ? वो आ रहे है? बेटा ये तूने क्या किया? पिताजी ये वीर अर्जुन का घोड़ा मैंने पकड़ा था। ओ हे भगवान, गजब सितम अफसोस हाय, अरे तूने अकल दई कहाँ खो। बाधा कुंती सुवन सुवन को रे बेटा, देख क्या बन आई। क्या बन आई तो, अरे कियो मद खंडन श्याम सखा को, और जग विदित पांडव कुमार है भक्त कंत कमोला को। तुम्हें मालूम है बेटा, रटत सुरेश मुहेश मुख शेष नाम नित जाको, अरे धरत ध्यान योगी हमेश तो पार न पामे ताको। हमारे जो स्वामी है ये उनके हमारे जो स्वामी हैं ये उनके अनुगामी हैं। कहन अब मेरी कीजे बाज समेत वीर पारत को तुम छोड़ो सितावी कीजे। बेटा ये तो तुमने बड़ा अनर्थ किया। हे वीर अर्जुन, मैं भी तुमसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। ये बच्चा है, इसको क्षमा कर दो, इसने बहुत अपराध किया है। महाराज मुझे भी, हाँ, छोड़ो जल्दी। तो मालूम है ये हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ये उनके भक्त हैं। अच्छा हाँ। अर्जुन वीर अर्जुन, अच्छा भगवान तो इनके रथ पर रहते थे। हाँ 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 बताओ, जो हाँ, जिनके रथ पे भगवान रहते थे उनकी कितनी महिमा होगी। महाराज मुझे भी माफ करना, आज मुझसे गलती नहीं हुई है, माफ मत करना। आप मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा याचना करो, क्षमा मांगो, ये बात तुम ही क्षमा या मांगो, भगवान से मत कहना। ये हाँ। ये लो, खोलो 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 इनके। क्षमा करना, गलती नहीं हुई है, क्षमा मत कर। पैरों में पड़ के क्षमा मांगो। अच्छा पैरों में? हाँ पैरों में पड़ जाऊं? जाओ का भीतर घुस जाऊं? भीतर पैर पकड़ो।
पैर, अच्छा पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, पकड़ो श्रीधर। अच्छा महाराज, अच्छा ये कहो क्षमा करो महाराज। महाराज गलती नहीं हुई है, क्षमा मत करना। उल्टे ही बोलोगे, और क्या कहूँ। ये कहो महाराज हमें क्षमा कर दो। महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया, हमसे अपराध हुआ है। आओ, मुझसे तो हुआ नहीं कोई साहब। चलो चले। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। आओ पार्थ। अर्जुन, प्रभु कैसे उदास हो? ये कृपा आपकी से प्रभु और दीनी बंधु भगवान। अरे भारत में मारे मने करण रथी के मान। संधानी सर है प्रभु। ताजुब की बात तो ये है, मोर ध्वज फरजंद वीर कुछ मोसे ना ही जवर है। या दीनाना तू कौन कारण गयो मोसे जीत समर। कवन मुरारी। अर्जुन तुम जो ये बात कह रहे हो ना, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हें ये शंका हो गई? हाँ महाराज। अर्जुन बताए देता हूं मैं तुम्हें। अर्जुन क्यों मूर्ख हुआ चार मन माए। अरे भक्तों को इस जगत में कठिन काज कछु पार्थ। प्रबल अनल के बीच भक्त ने ही प्रहलाद बचायो। ये ध्रुवर भक्त भक्त बल से पद अचल अनुपम पायो। खरारी
और भक्त बल भय त्रपुरारी। ध्वज भक्त जवर है, ताम्र ध्वज ताके प्रताप तो से गयो जीत समर है। ये श्रीमान आपके भक्त को हरिहर मेरे घमंडी अरे सो सब मेरो आपने प्रभु कियो छनक में ध्वज की परीक्षा लेना चाहते हो? जी हाँ। अर्जुन क्या देखे मम भक्त को अर्जुन क्यों मूर्ख हुआ कर विचार मन माए ये भक्तों को इस जगत में कठिन काज कछु ना। अर्जुन प्रभु ए धनंजय धवल और धवल धाम बल इस अमर की तुझे कुछ खबर ही नहीं मोरा ध्वज की बराबर ये कोई भी मुझे भक्त आता जहां में नजर माने ककर दे जिकर ही नहीं अरे तो सरी के भगत भक्त लाखों मेरे सच कहूं मैं समझना कसर ही तुम्हें जो कि ऐसा न दूजा बता
प्रभु करके झूठी प्रशंसा मेरे सामने। करके झूठी प्रशंसा मेरे सामने मत वृथा तन बदन मम जलावो प्रभु करके झूठी प्रशंसा। माने तो चल लो बुला जल्द यम को और वो बने के हरी और हम तुम करें साधुओं की सकल। पार्थ प्रभु भक्त सिर मोर धात भक्त मोर ध्वज सिर मार के साथ में हो सके सो करेंगे कपट छंद फल लेंगे भारी परीक्षा ये कठिन से कठिन ए धनंजय धवल धनंजय धवल। पार्थ प्रभु तुम्हारा अगर ऐसा विचार है तो मोर ध्वज को भक्त कम समझते हो फिर भी आप नहीं मानते हो तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं दोनों साधुओं का भेष धारण करके चलते हैं मोर ध्वज के पास। ठीक है प्रभु चलो। अब इधर तो भगवान अर्जुन श्री कृष्ण महाराज जाते हैं परीक्षा करने के लिए साधुओं का भेष धर करके। तो प्रभु साधु तो बन गए लेकिन अपना नाम तो धर लो। नाम जरूरी है? हाँ हमारा नाम तो है श्यामदास। और हमारा नाम गोपाल दास। अच्छा ठीक है तो भजन करते भाई चलो। हाँ साधु महात्मा मिलेंगे प्रवचन होगा। ठीक है ठीक है। कोई कहता है कि हम महल सोने के बनवाएंगे कोई कहता है कि हम बादशाह हो जाएंगे मगर ये नहीं मालूम इस जीवन की क्या औकात है ये चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जय हो प्रभु जय हो। अरे उड़े गो हंसा बागन ते अरे बागन दो साथी रे प्राणी दिना तक तेरिया तेरी आंसू डारे
तीन दिन डारे रोई अर जाती पिताजी झूठे कू अर संग तो लगा ले रे बालमू अरे उड़े गो हंसा बागान से छह महीना तेरो बेटा की झूठी दुनिया में संग चले ना को सामने से कौन आ रहे हैं पंडोत बाबा बाबा पंडोत राजी रहे। बाबा हाँ कहाँ से आ रहे हो क्या मांग रहे हो क्या मांग रहे हैं हाँ अरे साधु महाराज हैं भ्रमण करते हुए आ रहे हैं एक बात बताओ हाँ तुम कौन हो हम महाराज के डोड़ीवान हैं तुम महाराज के डोड़ीवान हो हाँ अच्छा तुम्हारे महाराज का नाम क्या है हमारे महाराज का नाम दुनिया जानती है महाराज आप नहीं जानते हो क्या नाम है हम पूछ रहे हैं ध्वज नारायण 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 तो जाओ अपने महाराज से खबर कर दो द्वार पे कोई दो साधु आए नहीं महाराज मुझे ही कह रखा उन्होंने जो कुछ चाहिए मांगो मैं दे दूंगा आपको क्या तुमसे काम नहीं चलेगा क्या देगा हमें सोटा ले लंगूठा ले कमंडल ले कंबर ले क्या साधुओं से मांसा करता है माधु साधु क्या समझता तू बाबा पिल्ला कौन से देश को है पिल्ला है और क्या है बाबा शेर है शेर है हाँ जंगल का राजा दुख देखा है तूने कभी दो शेर है या एक शेर ही शेर है एक शेर है अच्छा ये जंगल का राजा शेर है जंगल में शेर रहता है हाँ, वही हाँ। शेर है ये तो महाराज फिर क्या चाहिए आपको इसलिए हमसे बहस मबासा छोड़ अच्छा और जाकर के अपने राजा से कहे महाराज से कहूँ हाँ साधु साधु आए हैं तुम्हारी डोरियों पर एक माधु सात माँ है और एक माधु एक सात क्या साधु महात्मा सीधा बोल साधु महात्मा बोलो माधु सात माँ साधु महात्मा बोल साधु महात्मा साधु महात्मा ऐसा करता है साधु अच्छा अच्छा बाबा अच्छा बाबा अभी खबर करता हूँ बाबा जाओ कर दो खबर और नहीं तो मैं बताऊँ बाबा जो चाहिए सो ले जाओ
तो उससे काम नहीं चलेगा, अपने राजा को भेज। अच्छा बाबा यही भेजू? हाँ, यही। हाँ। अच्छा भी खबर करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। महाराज के जीवन की जय हो। जड़ीवान महाराज क्या सूचना है? महाराज सूचना ये है। हाँ। दो माधु सातमा आए महाराज। माधु सातमा? हाँ, और एक उनके पास नहीं, साधु महात्मा। हाँ, साधु महात्मा। हाँ। और महाराज एक उनके साथ में वो है, वो जंगल में जो सबसे बड़ा बताते हैं, शेर। शेर? हाँ महाराज, शेर। शेर भी है? हाँ। वाह, शेर। और वो आपको बुला रहे हैं महाराज। वही मुझे बुला रहे हैं? हाँ, ये कहा है कि यही बुला के लाओ। अच्छा, हमने ये कहा था कि आप यहाँ बैठिए, मुझसे मांगिए कि नहीं, क्या बकता है, भस्म कर दूंगा, कभी कह भस्म कर दूंगा, कभी कह शराब पिला दूंगा, शराब दे दूंगा। हाँ, तुम सिद्ध पुरुष है महाराज। फिर मैं तो चला आया। आपको वही बुलाया है? आपको वही बुलाया है महाराज। चलो हम चलते हैं। हाँ महाराज, किसी बच्चे को ना खा जाए शेर का बच्चा। नहीं नहीं, ऐसा नर्स नहीं होने देंगे। हाँ महाराज, कहिए ऐसा ना हो, मैं तो अपनी बहू का खेल आई हूँ बस। चलो हम चलते हैं। आइए महाराज। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, सदैव प्रसन्न रहो राजन। करूं दंडवत जोर कर पद पंकज धर शीस, बुलवाया मेरे तई कारण कवन मुनीश। प्रभु आपने मुझे बुलाया। राजन जी, सारी दुनिया तुझे दान दान कहे, दान लेने तेरे पास आए हैं हम, तू है दानी अमानी, यह हो कैसे यकीन, क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत कम। दान देने की होती है राह रसम, दान दे दान दे दान दे दान दे दान दे दान दे जो रखे भूख दम। कर दया करता उजर ही नहीं, दान देने में करता उजर ही नहीं, आज दान दूंगा वो दूंगा, और तुम परख लीजिए श्री महोदय परखने का जरूरी। आपकी बिन बताए मुझे कुछ खबर ही नहीं, गर्चे मांगो दान में, और आप मेरी सल्तनत तो भी सकता में इनकार करे। आता नहीं जो कहे ही कहे, ये दान देवे न कुछ ऐसा इंसान दानी कहा। दान देनो जवान से ती तू भी कहे हम
समाता नहीं, ये हमारे जिगर में समाता नहीं, तैसे दिल खोल हमको बचलती हमको वचन तीन दे, बिन वचन दिए विश्वास आता नहीं, तैसे दिल खोल हमको वचन तीन दे। मैं दान दूं आपको, और देत्र बाचा यकीन अब कराता हूं मैं, श्री गुरु की कसम और भगवती की कसम, और कसम ता तो माता की खाता हूं मैं। अब न देरी करो और निज मनोरथ कहो, अरे प्रभु चरण में ये सर को झुकाता हूँ मैं। मांग लो खोल दिल अपने कर पे लो गंगा उठाता हूँ मैं। श्याम दासी, ये सब दुखाई गंगा उतार बचन भर दिए तीन, अरे दान देवी साब से हमको हुआ है यही। श्री राजन महाराज, हरि मनोरथ पूरन करो हमारो, हरि प्रबल भूख को मारो है व्याकुल ये शेर हमारो। और भूखा है तुम और तुमरी नार, हाथ दोनों तुम ले ओए आरो हो। चीरा पुत्री अपने को केहरी के आगे करे शेरता पीछे हम जे महंगे। हमारे शेर का इंतजाम करो पहले, ये बहुत भूखा है। राजन, श्यामदास ने कहा जो कुछ सुना तुमने। हमारा कहने आपकी से प्रभु, उजर मुझे कुछ ना, अजी मगर आप ही कीजिए कुछ विचार मनमा। ना भरे पेट बनराज का लाल से जीना, अरे पेट बनराज का लाल से ना भरे पेट बनराज का लाल से, क्योंकि बालक अभी कुछ उम्र ही नहीं। मैं मनो मास मंगवाए दूंगा अभी, कुछ करो केहरी की फिकर ही नहीं। खूब अच्छी तरह प्यार से प्रेम से पेट भर के खिलाना रखना कसर ही नहीं। गरचे भूखा मनुष्य के ही मांस का,
मैं खड़ा हूँ, खिला दो जरी। प्रभु आपका कहना ठीक है, परंतु वो बच्चा है राजन, उसके मांस से केहरी का पेट नहीं भरेगा राजन। मैं इसके लिए बहुत मांस मंगवा दूंगा। तीन वचन दे किस लिए, तुमने हमको तीन वचन दिए हैं। हाँ महाराज। तीन वचन दे किस लिए, रहा जबा को फेर ये दानी के ही पुत्र का भोजन करता शेर। दानी के ही पुत्र का ये भोजन करेगा, तुमने हमको वचन दिया है। हाँ महाराज। दे तमर को दान, हरि बने जो दानी, हम चले जाए हम भूखे थी। सत्वादी हो सत या बर्बादी का क्यों करता है काम। मैदान कुमार का भोजन कर बाबेगा, अरे मुक्ति पावे कीर्ति जहान गा बेगा। तुम नहीं कर दोगे हर दाता घर जावे। ठीक है महाराज, तुम मना कर सकते आप हो। आप मना कर सकते हो हमसे? नहीं महाराज, अपने राम चले जाएंगे। हम तो उल्टे चले जाएंगे। मुझे तो क्या बेचारा है, समय चाहिए महाराज। समय? हाँ थोड़ा सोचने का। सोचने का समय चाहिए। का समय? हाँ महाराज। कितना समय? थोड़ा सा। अच्छा हाँ ठीक है राजन, विचार कर लो। कहाँ जा रहे हो? यही हूँ महाराज। अच्छा सुनाओ, जल्दी करना। जी। नारायण नारायण नारायण। साधु सत सुत दो उनको, मांग चुके दिल खोल। अरे सुतहारू या सत तजू, ये दोनों वस्तु अमोल। सत हार दू सत धर्म, ये सारा हमारा जाएगा। सत हार दू तो धर्म सारा हमारा जाएगा। सुत को तजू तो महल मेरे का उजारा जाएगा। आज तक जिसकी मिले पाला पनौसा परवरश की, आज तक जिसकी मिले मुझके तो उसके शीश पे, मुझको तो उसके शीश पे रखा न आ रहा जाएगा। नहीं अब यही अच्छा है, अब तो यही बेहतर रहेगा।
सच को रखूं कितना भी कष्ट हो, अब तो यही बेहतर रहे कितना भी चाहे कष्ट हो। सत को रखूं सुत और भी आ जाएगा। दुख सलाह उसकी भी तो लूं जिसका गुल हजारा जाएगा। महाराज को दासी का प्रणाम स्वीकार। यह आपके चेहरे पे उदासी? चमक दमक मुक्की उड़ी प्रियतम प्राण आधा, दासी को बतलाइए क्या गम रंज सवा। चांद चेहरे की सारी चमक उड़ गई, कैसे आँखों से आंसू बहावो पिया। दासी पूछे खड़ी सुकरासी मेरे, किस सबब है उदासी बतावो पिया। में भी सुना वो पिया, ऐसा भारी क्या सदमा पड़ा के सब बताओ न मुझसे पाओ पिया। बताइए प्राणनाथ क्या बात है? महारानी क्या बताऊं? नहीं नहीं बताइए प्राणनाथ। आए भूखे भिखारी मेरे द्वार दो, उन कटारी सकलमा सुनाया प्रिया। मांगा बेटा तेरा और कहरी के लिए, मेरा देने में दिल थर थराया प्रिया। मांगा बेटा तेरा, मैं तो दे ही चुका दिल को मजबूत कर, दर तुम्हारी तरफ का समाया प्रिया। बस यही रंज सस्पंज और मेरे दिल बीच है, सिर्फ लेने सलाह तेरी आया प्रिया। मुझको गुजर ही नहीं, सैया पैया पढ़ू हूँ कभी भूल कर, मेरे लालन का करना जिक्र भैया नजर ही नहीं। जरा दिल में तो सोचो विच
चारों पिया मेरे दो चार खेले हुए ही नहीं जरा दिल में तो सोचो चारों पिया तेरा कहना सही है मगर क्या करूं आके अटकी कठिन बस बसाता नहीं आके अटकी कठिन बस बसाता नहीं जाते भूखे वो साधु और मेरे द्वार से जो गया सत फिर हाथ आता नहीं सुत रखू या रखू मैं सत्य को कोई हाय इतना बताता नहीं हाय भूखर कुमार का हाय भूखा कुमार का कुमार का है केहरी सिंह हाय मुझे अब तो आता नहीं रानी प्राणनाथ अगर मैं त्रिभाचा दे चुका हूँ अगर सुत को न दिया तो वो भूखे चले जाएंगे तीनों प्राणी हमारे दरवाजे से प्राणनाथ क्या करूँ जो है मर्जी तुम्हारी सी तोर तो संत आए हैं भूखे डिगारो मती दे चुके दान में प्यारा छो ना ललन तो कभी धर्म अपना डिगारो मती मती कुहारो मती सुत बिसारो पति सुत बिसारो पति सत बिसारो मती सत बिसारो मती धन्य धन्य है तुझे अर्ध शरीर ही नार अरे सत्य की तू साथी भई और सुत का मोह विसार सुत का तजाए मोह तूने तू सत्य की साथी भई तेरे भी मेरी ही तरह कर वज्र की छाती लई रानी प्राणनाथ बहुत अहो भाग्य हूँ मेरा जो तुम जैसी पत्नी पाई लेकिन सच रखना न रखना अब तो हमारी लाल के हाथ है हाँ प्राणनाथ उसके भी तो हृदय की पूछ है जी आओ चलो चलो उससे बात करेंगे माताजी प्रणाम पिताजी प्रणाम खुश रहो बेटा बेटा छोना लाडले वंश कन्हैया लाल आज अचानक ही कुंवर आया तेरा का सुत आया सर पर काल ना बची बचाया देव ने तेरा हमसे वियोगे कराया
सुख देखने के समय विधाता दुख दिखलाया। कैसे आया मम काले आज बातला, मेरी माँ हर सब को मरना है, हमर न जग में कोई और नहीं मरने से डरना है। बेटा दो साधु आए ये वचन उचार, सुति ताम्र ध्वज को चीर सिंह को राखो सत बाप आपने को छोना जीव। हर अंग हमारा जाता मेरे बराबर हर साल कोई नहीं। मेरी मात हर सुत गए सुत हो जामे ओ और सत्य गयो मिलनो ना माता, सत्य गयो मिलनो ना और माँ सोच समझ कर को। नौ मास गर्भ में रखो लगो ना भार, अभी कैसे तेरे शीश चलायो जाए आयो। मेरे लाल हमारो है प्राणन से प्यारो, कैसे तेरे शीश चलाओ जाए छोना। और जीते जी के सुत मात और पिता और भ्राता, और फिर पंच तत्व में पंच तत्व मिल जाता।
और किसी दिन हर धोगी अगिन पजार, हर दो संतन को दान और तुम्हारा यश गावे संसार। कैसे जीऊंगी तेरे बिना मैं कुंवर, ये बता मुझको नैया खिवैया मेरे। सुख भाजन से कर दुख भाजन मुझे, जाता परलोक सुख के निवैया मेरे। है उम्र भर की मेरी कमाई तुई, सुत सुमन लाडले लाल छैया मेरे। तेरे पीछे में बेटा और कहूँ कौन को कहे मुझसे मैया कन्हैया मेरे। ये माता तेरी अकल हर मैया तेरी अकल, हर उड़क दर को गई जो कि रो रो कि मुझको रुलाती है तू। हर जो कि रो रो कि मुझको रुलाती है तू, मेरी देही लगे धर्म के हेत फिर क्यों ना गम को अलम को हटाती। इस महा झूठी दुनिया के गीतों को गा और मुझे अपनी कमाई बताती है तू, मुझे अपनी कमाई बताती है तू। जिसने पैदा किया और मैं उसी का हुआ, हर क्यों वृथा मोह मुझसे बढ़ाती है तू। आप ही समझाइए पिताजी माता जी को। और मेरे तोता अपना धर्म मेरे आगे से बेटा, अरे देख तू उन चला मैं अभागा हूँ फूटा है मेरा करम। पिताजी आप भी ऐसी बातें करते हैं बेटा। देखो जिसने रचा सर्व संसार को, देखो और देखो जिसने रचा सर्व संसार को, मैं चराचर नरो नार सीतो गरम, चांद सूरज सितारे सितारे व वृक्ष बली
जीना मरना खुशी और रंज अलग। ओ उसकी कुदरत में दावा, उसकी कुदरत में दावा और किसी का नहीं, आने जाने की जग में है जारी रसम, तो भी अपना धर्म ना निभाओ पिता। धर्म ना निभाओ पिता। हा सितम हा सितम हा सितम हा सितम, तो भी अपना धर्म ना निभाओ पिता। धन धन तेरी मात को, धन धन बेटा तो समूह सुकृति जगत में हो ना आगे। बेटा चलो महाराज के सामने चलते हैं और उनको जाके तुम्हें अर्पण करते हैं। आओ से बिसारो प्रिया, प्रेम से प्रीत से और साधुओं के लिए जाओ जाओ भोजन बनाओ प्रिया। अकेला इसे कैसे जाऊं पिया, ना जगे चेत गाफिल है खामोश है, ना जगे इसको कैसे जगाऊं पिया। खैर जाओ आप पिलाओ जल, जब तलकी मैं भी पीछे तुम्हारे ही आऊं पिया। सुत गया सो गया, सत को जाने न दूं, अभी संतों का चौका लगाऊं पिया। आप जाइए, जब तलक आप जल लाओगे मैं तब तलक चौका लगाती हूँ। ठीक है। सुत तो चला गया लेकिन सत को नहीं जाने दूंगा। हाँ, प्राणनाथ मैं जा रहा हूँ जल लेने के लिए। हाँ कहो राजन। महाराज चौका लग गया, हमने जो कार्य सौंपा वो किया। हाँ महाराज सब कुछ तैयार है, अब चौका लगा दिया आपने। हाँ अब एक काम करो राजन। क्या आज्ञा है? पांच पत्तले लगाओ। पांच पत्तले? हाँ पांच पत्तले कैसे महाराज? क्यों पांच पत्तले? चार प्राणी हैं। अरे तीन तुम और दो हम, पांच पत्तले हुई कि नहीं? हम तीन कहाँ हैं प्रभु, हम तो दो ही हैं। क्या राजन झूठ बोल रहा है? नारायण 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 नारायण। महाराज हम आपके समक्ष खड़े हैं, हम दो ही तो प्राणी हैं। ये बात है। हाँ महाराज तुम्हारे भूपत पाप से अच्छे दिए बचाए ये
बसाओ। चलो चलो। नहीं हम नहीं करेंगे। अरे कमाल कर निपुत्री के यहाँ भोजन हम नहीं करते हैं। महाराज आपने पहले नहीं बताया हमको, पहले तो नहीं बताया। निपुत्री नारायण 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 नारायण। महाराज आप क्या कह रहे हैं ये? एक ही बेटा था हमारे और वो भी आपके सामने हमने चीर के सिंह को डाल दिया और आप कहते हैं हम निपुत्री हैं? ये क्या अनर्थ कर रहे हैं प्रभु? अब बेटा कहाँ है? आवाज लगा के तो देखो अपने पुत्र को। आवाज किसको लगाऊं? राजन आवाज लगाओ। दुख भरा बेटा तेरा पिता बोलता, जरा बोली अमोली सुना वो ललन। बेटा जरा बोली अमोली सुना वो ललन। जाते भूखे ये साधु और मेरे द्वार से, कर खुशामद ये भोजन कराबो ललल। बेटा रतन कुमार, बेटा कहाँ हो तुम? बेटा ए पिता धीर धारो, ए पिता धीर सान हो, बांधो दिल में दिलासा, में आऊं अभी साधुओं सिर के मात के आपके, सर सभी के कदमों में झुकाऊं अभी। बेटा कहाँ हो, जल्दी आओ बेटा। खुशामद मनाऊं अभी, करके मिन्नत खुशामद मनाऊं अभी, प्रेम से प्रीत से और ने सत्कार से, आ रसोई सभी को जिमाऊं। क्या हुआ श्रीधर? चमत्कार है तो। माधु सातवान ने चिरवा दिया था। कहाँ से साधु माधु? कहाँ से? कोई निशान भी नहीं है। वो खून भी नहीं है जो इसके खून बह रहा था। वो साधु नहीं थे है? ये कोई बाजीगर है। श्रीधर बाजीगर का खेल दिखाया इनने। कहाँ गए साधु? है गए कहाँ? उन्हें लाओ, कहाँ है? कहाँ ये? चलो उनको देखते हैं। कुछ नहीं, सही है मेरा बेटा, बिल्कुल सही है। ये तो चमत्कार ऐसा दिखाया है, चमत्कार है भगवान का। ये प्रभु कैसी लीला है, कैसी लीला है भगवान आपकी। ए माधु सातवाओ, मेरा बेटा सही है। माधु सातवाओ, श्रीधर माधु सातवा नहीं, श्रीधर साधु महात्मा कहो।
वाह प्रभु, आपकी ये कैसी लीला है? राजन, ये क्या किया आपने? तुम्हारा सत्य पूरा हो गया राजन। तुम जो वरदान मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। क्या मांगू मैं आपसे, दीन अनुपत दीन दयाल, और जन्म जन्म में आपके बस होए दरस भगवान। प्रभु, बस मैं तो यही मांगता हूँ कि मैं जो भी जन्म लूं आपकी भक्ति प्राप्त हो और आपके ऐसे ही दर्शन होते रहे। मित्र अर्जुन की बातों में आके मुझे तू प्यारे ब्रथा ही सताना पड़ा, तेरे द्वारे पे बन संत ज्ञाना पड़ा, भूप भूखे भिखारी कहाना पड़ा। धर्म तूने ये अपना निभाना पड़ा, जो तूने मांगा है बर मैंने दीना न पति, बस इसी हेत किस्सा बढ़ाना। जब तेरी का